हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुपर इंडिया में एक बार फिर स्वागत करता हूं। अगर आप सपने में सेब से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी सपना देखते हैं तो इसकी जो भी ताबीर होती है, जो भी इसकी व्याख्या होती है, जो भी स्वप्न शास्त्र हमें फल प्रदान करता है, सभी प्रकार के स्वप्न फलों की जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वप्न हमारे जीवन का अभिन्न अंग होते हैं और जब हम कोई विशेष स्वप्न देख लेते हैं तो उस स्वप्न का फल जानने के लिए हमारा मन व्याकुल और आतुर हो जाता है। और क्यों न हो, क्योंकि हमारा जो स्वप्न होता है विशेष स्वप्न होता है और उस विशेष स्वप्न से जो हमें फल प्राप्त होने वाला होता है उसकी खुशी का हमारे मन में ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि जब भी हम कोई शुभ स्वप्न देखते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित होता है और हम प्रसन्न मुद्रा में अपने दिनों को व्यतीत करते हैं, क्योंकि हमें आभास होता है, हमें ज्ञात होता है कि हमें कुछ न कुछ अवश्य ही अच्छे फल की प्राप्ति होगी, कुछ अच्छा समाचार प्राप्त होगा, कुछ अच्छे स्थान पर जाने का अवसर मिलेगा या कहीं मुझे किसी के द्वारा सम्मान प्राप्त होगा। तो सपने में आप अगर सेब को देख रहे हैं तो सपने में सेब को देखने से पहले आप सभी को हम ये बताते हैं कि सपने में अगर आप जो सपना किस समय देखते हैं रात्रि में, जैसा कि अलग अलग रात्रि में देखे गए स्वप्न का अलग अलग समय पर फल प्राप्त होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सपने में 7 बजे से 10 बजे के बीच में जो रात्रि में सपना देखा जाता है इसका स्वप्न फल आपको 1 वर्ष के भीतर प्राप्त हो जाता है, और जो सपना 1 बजे रात से 10 बजे के बीच में देखा जाता है ऐसे सपने का फल आपको 6 महीने के भीतर प्राप्त हो जाता है, और जो सपना 1 बजे से रात्रि 4 बजे के बीच देखा जाता है ऐसे सपने का फल 3 महीने के भीतर प्राप्त हो जाता है, और जो सपना 4 बजे से सुबह 7 बजे के आसपास तक देखा जाता है ऐसे सपने का फल उसी दिन प्राप्त हो जाता है। तो सपने में अगर आप यह देखते हैं कि आपने रात्रि में सपना देखा और दोबारा निद्रा ले लेते हैं और फिर वही सपना आ जाता है तो समझ जाइए इस सपने का फल आपको निश्चित प्राप्त होगा और ये सपना आपका झूठा नहीं जाएगा। जो सपने झूठे होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, एक ही निद्रा में आप लगातार एक लंबा सपना देखते चले जाएं या एक ही निद्रा में आप भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्न देखते चले जाएं, या जो सपने निद्रा खुलने के बाद आपको याद ही ना रहें, और जो स्वप्न आप इस प्रकार के स्वप्न देख लेते हैं जिनका अर्थ निकालना भी मुश्किल हो, जो आपकी समझ में ही ना आए, तो ऐसे सपनों का भी फल प्राप्त नहीं होता है। और जो सपना आप अधिक से अधिक लोगों में बता देते हैं ऐसे सपनों का फल समाप्त हो जाता है। इसलिए जो शुभ स्वप्न होते हैं ऐसे सपने को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए जिससे उसका पूरा फल हमें प्राप्त हो सके, और जो अशुभ सपने होते हैं ऐसे सपनों को ज़्यादा से ज़्यादा बता देना चाहिए या दोबारा निद्रा लेकर सो जाना चाहिए जिससे हमें कोई शुभ सपना दिखाई दे, जिससे हमें अशुभ सपने का फल ना प्राप्त हो सके। और एक बात आप सभी दोस्तों को बता दें कि जब कभी आपको शुभ सपना दिखाई दे तो आप दोबारा निद्रा ना लें, ताकि कोई ऐसा अशुभ सपना ना दिख जाए जिससे कि आपके शुभ सपने का फल समाप्त हो जाए। और जब भी आपको कोई अशुभ सपना दिखाई दे तो आप सुबह उठकर अपने घर परिवार में जो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका आशीर्वाद अवश्य लें, और सोकर उठने के बाद आप तुरंत स्नान करके अपने शरीर को पवित्र अवश्य करें, पूजा अर्चना करें और देवी देवताओं की जो भी आराधना पूजा करते हैं उसको संपन्न करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या विष्णु स्तोत्र का या महादेव स्तोत्र का आप पाठ अवश्य करें, या आप कुछ गरीबों की मदद अवश्य करें जिससे आपकी धर्म की वृद्धि होगी, पुण्य की वृद्धि होगी और आपका जो अशुभ समय होता है वो समाप्त हो जाता है। तो चलिए जी दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बात कर लेते हैं सपने में सेब देखने की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। किसी भी प्रकार का अगर आप सपने में सेब देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं सपने में आप मार्केट में या किसी दूसरे से सेब खरीदते देख रहे हैं और आपको अच्छे सेब कम दामों पर मिल रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका भाग्योदय हो चुका है, आपकी जो भी समस्या है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगी, उस कार्य के पूरे होने में कोई भी
अड़चन नहीं आएगी, बड़ी आसानी से ही आपका वह कार्य पूरा हो जाएगा। अगर आप सपने में सस्ते दामों पे सेब खरीद रहे हैं तो समझ जाइए कि आप बहुत जल्दी आपके पास धन आने वाला है। आपके धन के द्वारा जो भी समस्या रुकी हुई है या जो भी कार्य रुका हुआ है वह आपका निश्चित पूरा हो जाएगा। और यदि आप सपने में यह देख रहे हैं कि आप सेब को बेचते देख रहे हैं तो सपने में सेब को बेचना भी काफ़ी शुभ होता है। ये आपके निश्चित तरक्की उन्नति और आपके रुके हुए कार्यों की पूर्ति और आपको प्रतिष्ठा मान सम्मान और आपकी जो भी इच्छा होती है वह निश्चित पूरी हो जाती है। सपने में अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेग्नेंट कोई महिला सपने में सेब देख रही है या सेब खा रही है तो उसके लिए बेहद शुभ सपना होता है। समझ जाए उसको जल्द ही उसकी मनोकामना और उसकी जो भी आकांक्षाएँ होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, तो ये उस स्त्री के लिए भी बहुत शुभ सपना माना जाता है। अगर आप सपने में सेब के पेड़ पर चढ़कर सेब तोड़ रहे हैं तो समझ जाए आप निश्चित ही जिस कार्य की पूर्ति में लगे हुए हैं वह अवश्य पूरा होगा और जल्द ही पूरा होगा। और आपकी इच्छा अनुसार जो कार्य पूरा करने की आप सोच रहे हैं उससे कहीं आसानी से आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी और अधिक आपको उसमें उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अर्थात जो आपको कार्य ढूंढ रहे हैं कि हमें यह कार्य मिल जाए या यह कार्य पूरा हो जाए तो उससे कहीं बेहतर ढंग का आपको कार्य मिलता है जिससे आपका मन प्रसन्न होता है और आपको खुशी प्राप्त होती है। सपने में अगर आप यह देख रहे हैं कि सेब का बहुत सारा ढेर लगा हुआ है या आप तोड़ तोड़ कर ढेर लगा रहे हैं या सेब की बगीचे में आप घूम रहे हैं या सेब की खेती में आप लगे हुए हैं या बहुत सारे पेड़ों में सेब लगे हैं तो यह समझ जाइए कि आपका जो जीवन है वह पूर्ण रूप से सुखी और संपन्न रहेगा। आपका वृद्धावस्था आपके मृत्यु के समय भी आपको कष्ट प्राप्त नहीं होगा। आप आसानी से ये जीवन निर्वाह करेंगे और आपको लगातार मान सम्मान और सुखों की प्राप्ति होती रहेगी। तो सपने में सेब को देखना, सेब बेचना, तोड़ना, सेब खाना आपके स्वास्थ्य, आपके बुद्धि विवेक, आपके कार्यों में हर जगह आपकी सफलता निश्चित होती है। तो सपने में सेब का देखना आप जब भी दिखाई दे तो समझ जाएं आपकी जो भी समस्याएं परेशानियां चल रही हैं वो जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। आप व्यर्थ ही चिंता और दुविधा में फंसे हुए हैं, इसलिए जो भी आपकी चिंताएं या दुविधा हैं उसको तुरंत समाप्त करें और निश्चिंत होकर आप निडर होकर कार्य करें कि आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। निश्चित ही आपके जो कार्य अधूरे हैं वो पूर्ण होंगे। तो हमारे द्वारा जो भी जानकारी हमने दी है इसके बारे में आप कमेंट अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।